इस दुनिया का, ऐसे तो गलत बहुत चीज है, इस दुनिया का सबसे गलत चीज है किसी को धोखे में रखना, समझे? जानते हैं, देखिए जो सुंदर लड़की होती है ना, सुंदर लड़की, देखिए ऐसे हम आपको एक बात जानते हैं, देखिए जो सुंदर लड़की होती है ना, सुंदर लड़की, देखिए ऐसे हम आपको एक बात बताते हैं, दुनिया जो है ना बड़ी जालिम है, समझे? कल एक लड़का किसी बैच में कमेंट किया था कि सर लड़की हमेशा बेहतर से बेहतर लड़का के खोज में ही क्यों रहती है? तो उस लड़का से रात में मेरा बात हुआ, समझिए रात में उससे बात हुआ, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो लड़का जो है आत्महत्या करने जा रहा था किसी लड़की के कारण, थोड़ा सुंदर लड़की थी। हुआ ये था, वो हमको सारा फोटो वोटो सब चीज दिखाया, समझिए सब चीज दिखाया, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, किसी के पर्सनल लाइफ का चीज है। देखिए उसमें क्या था, लड़की में क्या था, किसी और के साथ पूरा ओपन है, होटल में जाकर रात गुजार रही है, और बेचारा को धोखे में रखा हुआ था, बेचारा को पता चला, दिल टूट गया, समझे? आप जानते हैं लड़कियों के लिए सलाह है, लड़का का दिल बड़ी नाजुक होता है, ऐसे मत कीजिए। देखिए प्रेम करना कोई गलत नहीं है, प्रेम करना सही है, लेकिन एक से प्रेम करना चाहिए। आप जो है बाजारू लड़की के तरह जो है 72 को रखते हैं, ये गलत बात है। सब ऐसी नहीं होती है, देखिए सब ऐसी नहीं होती है, लेकिन जो सुंदर होती है वो जरूर ऐसी होती है, और सुंदर लड़की अपनी सुंदरता का फायदा उठाती है, समझे? तो सुंदर लड़की के चक्कर में तो कभी पड़िएगा ही नहीं। एमएसडी मूवी देखे हैं, महेंद्र सिंह धोनी अनटोल्ड स्टोरी देखे हैं? उसमें देखिए महेंद्र सिंह धोनी किस लड़की से शादी किया है, किस लड़की से शादी किया है, जो महेंद्र सिंह धोनी को जानती तक नहीं थी और अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही रूप में कर रही थी, चाहे वो कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो जीवन में हमेशा शादी विवाह बहुत बड़ा फैसला होता है, जीवन का बहुत बड़ा फैसला होता है शादी विवाह। मेरा अपना मानना, ऐसे तो हमको शादी करना नहीं है, लेकिन अगर हम शादी करेंगे तो हम उस लड़की से शादी करेंगे जो हमको एकदम नहीं जानती है कि रोशन आनंद क्या है, रोशन आनंद के पास कितना संपत्ति है, समझ गए? लेकिन अधिकतर लड़की जो है, और एक बात और यहाँ पे सूचना दे देते हैं, सुनिए ना, बहुत थोड़ी हम मोबाइल रखना छोड़ दिए, आपको पता है मोबाइल रखना छोड़ दिए हैं, मोबाइल है लेकिन इसमें सिम नहीं है, सिम ऑफिस में है। अब अगर आपको क्वेश्चन में डाउट होगा तो एक लेटर बॉक्स लगा रहे हैं, उसमें आप अपना लव लेटर जमा कर दीजिएगा, यानी क्वेश्चन में जो डाउट होगा व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है, उसमें जमा कर देना है, वो क्वेश्चन हम आपका ले करके, आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दीजिएगा, हम सॉल्व करके जो है आपको भेज देंगे। मोबाइल रखना हम छोड़ रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे वजह है, और सबसे बड़ा वजह क्या है जानते हैं? हम क्लास में ये बोलते हैं कि मोबाइल सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। देखिए जब तक हम स्वयं चीनी खाना नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आपको कैसे सलाह दे सकते हैं कि आप चीनी खाना छोड़ दीजिए? तो जब तक हम स्वयं मोबाइल चलाना नहीं छोड़ेंगे तब तक हम आपको कैसे कह सकते हैं कि मोबाइल चलाना हम आप छोड़ दीजिए? और आज के डेट में मोबाइल विद्यार्थी के लिए कैंसर है। क्या है? क्या है? कैंसर। तो इसलिए हम मोबाइल चलाना छोड़ रहे हैं तो आप भी छोड़िए, क्योंकि मोबाइल सबसे बड़ा अवशिष्ट पदार्थ है, आपके जीवन के सफलता में सबसे बड़ा बाधक है मोबाइल, आपके जीवन में जीवन के सफलता में सबसे बड़ा बाधक क्या है? मोबाइल।